सोरा अपनी आई को सॉरी बोलना चाहती थी, पर वो ऐसा कर पाती उससे पहले ही। इसलिए पता है जिंदगी में जो है ना वो आज ही है। अगर किसी को थैंक यू बोलना है तो आज बोलो, सॉरी बोलना है तो आज बोलो, माफी लेनी देनी है ना तो आज करो, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। आदमी चला जाता है और रह जाता है सिर्फ अफसोस। सरिता के देहांत ने हमको एक बात तो सिखा दी कि जिंदगी बहुत छोटी है तो क्यों उसे लड़ने में खर्च कर दे। काका कब आएंगे मुझे लेने के लिए? काम खत्म करके आ जाएंगे बेटा, ठीक है? आप नाश्ता करो, चलो। क्या हुआ रे, क्या सोचने लगी? मुझे आप सबकी बहुत याद आएगी। वहां तो इतनी अच्छी स्कूल भी नहीं होगी ना, पिज्जा भी नहीं मिलेगा टिफिन में। मम्मी। हाँ जुगल जी, सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए बुला रहे हैं। हाँ ठीक है दीप्ति। सोरा प्लीज थोड़ा सा खा लो। अरे अरे 25 बार आगे पीछे कर चुका वीडियो को, क्या ढूंढ क्या रहा है तू? यही ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस झगड़े का वीडियो रिकॉर्ड किसने किया और ये वीडियो रुकमणि तक कैसे पहुंचा। चाल में सीसीटीवी लगवाने का यही तो एक फायदा है, तहकीकात के लिए कुछ तो है हमारे हाथ में। कोई तो है जो मम्मी और पापा के पीछे पड़ा है। इस बार दिलीप तो नहीं हो सकता, वो खुद इस झगड़े में इन्वॉल्व है। ए, एक मिनट जुगल, जुगल पीछे कर, बस 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 झूम कर। इसका मतलब झगड़े से पहले एंट्री हो गई थी मैडम की जाल में, किसी और ने वीडियो नहीं दिया, हम पर नजर है। जी जी जी, ऐसी घिनौनी हरकत, इन लोगों को चाहिए कुर्सी और सत्ता। बोलो पाटिल साहब से बात करके इसको पार्टी से बाहर नहीं करवाया ना तो नरहरी नाम नहीं बापोतरा का। नहीं बापोतरा, अरे इसके साथ दुश्मनी और झगड़ा बहुत ज्यादा नड़ेगा हमें, जिंदगी भर नड़ेगा। अरे मैं तो बोलती हूँ कि इससे अच्छा है कि इसके साथ दोस्ती कर लेते हैं। कुछ तो होगा इसमें जो हमारे काम आएगा। तू समय दे थोड़ा सा, कुछ हल निकालते हम इसका, सोचने तो दे। पुष्पा बहन का ध्यान काम में नहीं है। सुना उनके यहाँ किसी की डेथ हो गई है। बात अच्छी लगती है ना आपको? वो बैठो। अच्छी है इसलिए अच्छी लगती है। तुमने उनका इतना नुकसान किया, उनके साथ इतने पंगे लिए, फिर भी आज तक तुम्हारे बारे में कुछ बोली नहीं है वो। मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा उसका। बरसों से पाटिल साहब के साथ राजनीति में हूँ रुकमणि, कौन खेल खेल रहा है सब समझ में आता है मुझे। कुछ बोलती नहीं इसका मतलब ये नहीं कि समझ में नहीं आता। तुम्हें कुर्सी से प्यार है और उन्हें उस कुर्सी से जुड़े सेवा भाव से। तुम्हें सत्ता चाहिए, उन्हें सेवा का मौका, फर्क है, इसीलिए तुमसे आगे हैं।
तो बापोदरा का मानना है कि हमें हमारे वोट के लोगों की सेहत सुधारने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। जिसकी शुरुआत हम गवर्नमेंट ऑफिस स्कूल वहां से कर सकते हैं और साथ में मोहल्ला लेवल पे भी काम कर सकते हैं, जिसके लिए बापोदरा को पुष्पा जी और उनकी टीम का सपोर्ट लगेगा। बापोदरा जी, जी आपकी ये मुहिम वाकई में बहुत अच्छी है, इसे हमें जमीन पर उतारना ही चाहिए। समिति इसमें आपका पूरा सहयोग करेगी। धन्यवाद। लेकिन साथ साथ मेरा मानना ये भी है कि ये काम बहुत बड़ा है और मैं अभी अभी समिति के साथ जुड़ी हूँ, ऐसे कामों के लिए नई हूँ और समिति की जो महिलाएं हैं उनसे भी मेरा परिचय थोड़ा कम है ना? तो क्यों ना इस काम के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति को चुना जाए। समिति आपका सहयोग करेगी लेकिन इस कार्य के लिए मैं किसी और का नाम सुझाना चाहूंगी। रुक्मणी जी, अपने घर बुला रही हूँ सुमन में बात करने के लिए। मैं दीप्ति को खोना नहीं चाहती हूँ। जुबे दीप्ति तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी पुष्पा। हम सब जानते हैं कि हम आज क्यों मिले हैं। अगर तुम दोनों ने फैसला कर लिया हो तो हमें भी बता दो प्लीज। मैं अश्विन से अकेले में बात करना चाहती हूँ। प्लीज दीप्ति, तो कुछ भी बोल प्लीज, उससे पहले एक बात सुन, मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता दीप्ति, प्लीज मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊं मैं सोच भी नहीं सकता। मैंने तुमसे प्यार किया है, करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। तुमने अगर नोटिस किया होगा इन 3 महीनों में मैं सही रास्ते पर चलने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं ये कर पाया हूं वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं कोशिश करता रहूंगा, लेकिन प्लीज प्लीज तुम ये अलग होने की बात मत करो प्लीज। तुम मुझसे एक वादा करो अश्विन, लाइफ में आगे कैसा भी मोड़ है तुम पहले वाले अश्विन ही बने रहोगे। तुम अच्छे ही हो पर पता नहीं कभी कभी क्या हो जाता है तुम्हें, कंट्रोल खो बैठते हो तुम अपना। मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगी, झगड़ूंगी, पर ये बात जरूर याद रखना कि जैसे तुम मेरे बिना नहीं रह सकते ना वैसे मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। और एक और बात, आज के इस फैसले में एक फैक्टर वहां भी है, प्लीज ऐसा कुछ भी मत करना आगे कि ये नौबत आ जाए। हमारे घर पे डिवोर्स की कोई बात नहीं होनी चाहिए वरना मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी।
मुझे बहुत दुख पहुंचाया। प्लीज आगे ऐसा कुछ भी मत करना। आई प्रॉमिस यू दत्ती, ऐसा कुछ आगे कभी रिपीट नहीं होगा। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी दत्ती, आई लव यू। आई लव यू टू। क्या फैसला किया तुम दोनों ने? मैं डिवोर्स नहीं लेना चाहती। मुझे आपसे दूर नहीं जाना है। मैं आप सबके साथ बहुत खुश हूं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.